के जो परिस्थितियां हैं देश के सामने और इसके जिम्मेदार सब लोग जानते हैं कौन है। मैंने शुरुआत से अखिलेश और मायावती जी का जब गठबंधन बना तब मैंने कहा मुझे भी शामिल करो, फिर उसके बाद मैंने कांग्रेस से कहा अगर ये सब गठबंधन में हो जाते तो फिर कौन सी लड़ाई रहती, लेकिन ये जिम्मेदार लोग हैं, इन्होंने जो हमारा गठबंधन कांग्रेस से भी नहीं होने दिया, खुद भी मुझे गठबंधन में शामिल नहीं किया, तो ये जिम्मेदार हैं। क्या लगता है गठबंधन को चमत्कार करेगा या बबुआ फिर फ्लॉप रहेंगे? देखिए ये सभी फ्लॉप होंगे और बेचैन हैं हमारी वजह से। किसकी सरकार बनेगी केंद्र में? हमारी वजह से सब परेशान है, बेचैन है। सरकार कौन बना रही है? हमने सबका खेल बिगाड़ा है। सरकार कौन बना रहा केंद्र में? अभी तो देश के प्रतीक्षा भी करनी है और इंतजार करो, हम भी इंतजार। सर बंगाल में जो है वो के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं लोकतंत्र में होना चाहिए। देखिए चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और जनता को वोट देने का मताधिकार का पूरा अधिकार है। बंगाल में क्या लगता है? शांत तरीके से और आयोग को चाहिए बिल्कुल निष्पक्ष। सपा में आप मुखिया की तरह माने जाते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ? आप सपा में माने जाते थे, सपा में हम मुखिया। उस समय तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था नहीं जी, काम करता था पार्टी में, फिर भी एक प्रमुख स्थान, लेकिन आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे नया जमीन तैयार कर रहे हैं आप? चुनाव के बाद निश्चित तैयारी है कांग्रेस साथ में आपकी? देखिए हमारी तैयारी 2022 की है और 2022 में प्रसपा सरकार बनाएगी।